ये टीम को बोल दो आईपीएल टाइपीएल खेलेगी, पैसों की टीम है ये, इंडिया की टीम नहीं है ये, बीसीसीआई की टीम है। सच बोल रहा हूं मैं, जो देश का नाम बदल गया, जो देश वहां पर अपने हालात से लड़ रहा है, टूटा फूटा देश, उसके खिलाड़ी भी अपने टूटे फूटे देश के लिए खेल रहे हैं अफगानिस्तान, और ये इंडिया टीम यार जब सिलेक्शन ये इंडिया हार गई है तब से नहीं, हारने के पहले से ना पूरे देश भर में चर्चा हो रहा है, पूरे विश्व भर में। हरभजन सिंह बोल रहा है मैच स्टार्ट होने से पहले, सीरीज स्टार्ट होने से पहले, कि पूरे बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग पूछ रहे हैं कि आपके टीम में चहल क्यों नहीं है। हरभजन सिंह कुछ जवाब नहीं दे पाते, मतलब इंडिया को वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले हर सीरीज में आपको चहल चाहिए मैच जिताने के लिए। विराट कोहली को इवन बेंगलोर को जिताने के लिए चहल चाहिए, लेकिन वर्ल्ड कप में चहल नहीं चाहिए। भुवनेश्वर कुमार एक साल से मैच नहीं खेल रहा है, फॉर्म में नहीं है, विकेट तक नहीं ले पा रहे हैं, आईपीएल में उनकी खुद की टीम उनको बेंच पर बैठा दे रही है, बॉलिंग नहीं कर पा रहे, लेकिन इंडिया टीम को भुवनेश्वर कुमार चाहिए, क्या बात है। हार्दिक पांड्या दो साल से बंदा अपना इंजरी से जूझ रहा है, वेंटिलेटर पर आईसीयू पर जान लेकर ऐसे ऐसे कर रहा है, लेकिन वो बंदा हमें मुंबई इंडियंस में कितना खेला नहीं खेल पा रहा है, लेकिन वर्ल्ड कप में हमें चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा बम है, हमें चाहिए। 130 करोड़ की आबादी में कितने सारे काबिल काबिल प्लेयर है, उनको लेकर गए नहीं। आप देखो चहल को लेकर नहीं गए, चहल को क्यों नहीं लेकर गए मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। शिखर धवन बंदा हर आईसीसी टूर्नामेंट में अच्छा खेलता है, पास्ट का रिकॉर्ड उठाकर देख लो, श्रीलंका में एकमात्र प्लेयर जिसने अच्छा खेला, आईपीएल में 2 सेंचुरी मारा, शिखर धवन क्यों नहीं चाहिए हमें, क्यों नहीं चाहिए शिखर धवन ये हमें बता दीजिए, क्यों नहीं चाहिए। पूरे देश के लेग स्पिनर लोग कमाल कर रहे हैं और आप एक लेग स्पिनर ले गए राहुल चहर, वो भी चहल को हटाकर, लेकिन वो भी टीम में नहीं चाहिए, क्यों समझ में नहीं आ रहा है यार। ये सिर्फ ना बीसीसीआई का टीम रह गया आईपीएल, अब छोड़ो इन लोगों से क्रिकेट नहीं होगा, तुम लोग आईपीएल की शुरुआत करो यार। पाकिस्तान जिसका औकात नहीं है वो लोग भी हंस रहे हैं, वो लोग भी मजाक उड़ा रहे हैं कि पाकिस्तान अब आईपीएल में बड़े बड़े बम बड़े बड़े छक्के मारते थे, एक विकेट नहीं ले पा रही है टीम, एक विकेट यार, सोच के परे है क्या चल रहा है टीम में, क्या हो रहा है, दिमाग जा रहा है ना, ये लोग फिक्स किए हैं, दिमाग जा रहा है कहीं ना कहीं। चला टीम में बैटिंग कोच अलग, बॉलिंग कोच अलग, फील्डिंग कोच अलग, मेंटर अलग, दो तो एक्सपर्ट अलग, अरे इतना लोग क्यों चाहिए हमें टीम में। और यहां पर सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है, क्रिकेट ना हमारे देश में भगवान का रूप, क्या बोलूं, इन लोगों के लिए बस मैच हारना है, लेकिन 130 करोड़ ना उम्मीद टूटा है। चलो आप मान लो वर्ल्ड कप पाकिस्तान से हार गए, एक विकेट तक नहीं ले पाए भाई आप लोग, और कैसे लोगे सिलेक्शन, भागू सिलेक्शन पे आवाज ना, मैच हारने के बाद नहीं, मैच जब टीम का सिलेक्शन हुआ तब से आवाज उठ रहा है, टीम में हार्दिक पांड्या चाहिए क्यों, टीम में हार्दिक पांड्या क्यों चाहिए हमें, क्यों चाहिए हार्दिक पांड्या, क्यों चाहिए, क्या कर दिया, क्या उखाड़ लिया 2 साल में, वो मुंबई इंडियंस को नहीं जिता पा रहा है, 2 साल से वेंटिलेटर पर आईसीयू पर अपने इंजरी से जूझ रहा है, एक छक्का मारता है वो भी बाउंड्री के पास बॉल गिरता है बाहर नहीं मार पा रहा है, हार्दिक पांड्या क्यों चाहिए हमें, हमें कलकत्ता का जो अय्यर है वो क्यों नहीं चाहिए हमें, बताओ क्यों नहीं चाहिए वो बंदा हमें, इतने सारे काबिल काबिल बॉलर है, नटराजन चला इतना अच्छा लेफ्ट आर्म बॉलर, इतना अच्छा यर्कर डालने वाला बॉलर, वो बंदा क्यों नहीं चाहिए। आप लेफ्ट बॉलर नहीं खेल पाते हो, टीम में रहेगा तो कम से कम आपको प्रैक्टिस भी करवाएगा प्रैक्टिस सेशन के दौरान, नटराजन क्यों नहीं चाहिए हमें, यंग प्लेयर क्यों नहीं चाहिए, बम चाहिए बड़ा बड़ा, देख लिए ना हंस रहे हैं पूरे देश हम लोग के ऊपर, बहुत खराब लगा जब मैं ना क्रिकेट जो है ना वो एक 1996-1997 से देख रहा हूं, इतना बुरा कंडीशन तो कभी देखा ही नहीं। ये लोग बस प्रचार करेंगे, पैसा इतना हो गया क्रिकेट में ना, अभी कुछ दिन बाद आईपीएल ऑक्शन स्टार्ट होगा, यही सब खिलाड़ी 1 करोड़ 10 करोड़ 20 यार पैसा बनकर रह गया है क्रिकेट आईपीएल, सिर्फ प्रचार कर रहे हैं, शर्म लाग इनके अंदर एकदम नहीं रह गया। हमारे भारतीय सेना यार उन लोगों का भी इज्जत ये लोग गिरा रहे हैं, क्रिकेट कहीं ना कहीं इंडिया पाकिस्तान में एक माहौल ऐसा बन जाता है, हारने के बाद बॉर्डर के ऊपर उनके जवान बम फोड़ रहे हैं, इंडिया आर्मी कितना मायूस, उम्मीद लगाकर बैठते हैं यार हम लोग, भावना जुड़ा हुआ है एकदम, क्या बोलूं,
इज्जत ना पूरा ये लोग ना इज्जत घोल कर पी गए। बीसीसीआई का टीम है ये, इंडिया का टीम नहीं है, पहले बोल दे रहा हूं, ये बीसीसीआई का टीम है, ये इंडियन टीम नहीं है। पहला बात,